हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों, मैं हूँ रमेश चौधरी। अपन पढ़ रहे थे NCERT क्लास 12th ड्राइंग सब्जेक्ट। दोस्तों, इसमें अपन ने चैप्टर नंबर 5th जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और चैप्टर नंबर जो 5th है उसका नाम है पहाड़ी सेलिंग। क्या नाम है दोस्तों? पहाड़ी सेलिंग। पहाड़ी सेलिंग में एक फर्स्ट लेक्चर अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें पहाड़ी जो शैली है, पहाड़ी जो लघु चित्र शैली है, उसके विषय में और उसके विकास के बारे में अपन ने कुछ पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे पहाड़ी चित्र शैली की प्रमुख राज्यों की, पहाड़ी चित्र शैली के प्रमुख राज्यों की चित्र शैली के बारे में। दोस्तों, मैंने कहा था कि पहाड़ी चित्र शैली में अपन एक पढ़ेंगे बसोहली चित्र शैली के बारे में, एक पढ़ेंगे अपन गुलेर चित्र शैली के बारे में, और एक पढ़ेंगे अपन कागड़ा चित्र शैली के बारे में। यानी कि कुल मिलाकर अपन जो है 3 चित्र शैलियों को पढ़ेंगे इस पहाड़ी चित्र शैली के अंतर्गत। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे चित्र शैली के बारे में, वो चित्र शैली होगी आपकी बसोहली चित्र शैली। दोस्तों, पहाड़ी चित्र शैली का जो उद्गम है, जो विकास है, वो सर्वप्रथम बसोहली चित्र शैली में हुआ। बसोहली चित्र शैली का सबसे पहले विकास हुआ, और उसी को अपन आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन वही चीज़ देखेंगे कि इस चित्र शैली का विकास किस तरीके से हुआ, कब हुआ और किसके शासनकाल में हुआ। तो दोस्तों, शैली का विकास अपना पहला पॉइंट है। कौन सी शैली? बसोहली चित्र शैली। दिख नहीं रहा होगा आपको दोस्तों, कौन सी चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे अपन? अपन पढ़ेंगे बसोहली चित्र शैली के बारे में। बसोहली चित्र शैली के बारे में अपन आज पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं शैली का विकास। दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में सबसे पहले बसोहली चित्र शैली का विकास हुआ, ये मैंने आपको बताया। इसका विकास, इस शैली का विकास जो है 1678 से लेकर 1695 ईस्वी के बीच में हुआ। 1678 से लेकर 1695 ईस्वी के बीच में हुआ। और सबसे पहले यानी कि किस किस राज्य या किस शासक का उस टाइम पे शासन था? तो दोस्तों, उस टाइम पे कृपाल पाल का शासन वहाँ पर था, और उसी के शासनकाल में ये चित्र शैली पनपी। ये हुई दोस्तों इसके विकास की बात। विकास में देखा पढ़ने कि इस चित्र शैली का विकास 1678 से लेकर 1695 ईस्वी के बीच में हुआ। दूसरा पद देखते हैं इस चित्र शैली की विशेषताएं। दोस्तों, बसोहली चित्र शैली की विशेषताओं की बात करें तो पहली जो इसकी विशेषता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी कलर है, जो प्राथमिक रंग है, उनका इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, प्राथमिक रंग वे रंग होते हैं जो किसी के मिश्रण से ना बनते हो, यानी कि जो डायरेक्ट बनते हैं। दो कलर को मिक्स करके जो कलर बनाया जाता है, वो इसमें मुख्य रूप से इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी पृष्ठभूमि को क्षितिज बनाया गया। दोस्तों, क्षितिज मतलब बिल्कुल सीधी, है ना, और ऊर्ध्वाधर क्या होती है? खड़ी। तो इसकी पृष्ठभूमि मतलब पीछे वाला जो हिस्सा, उसको कैसे बनाई गई? बिल्कुल क्षितिज बनाया गया। तीसरी इसकी विशेषता है कि इस शैली में मुख्य रूप से पीले रंग का प्रयोग हुआ, और पीले रंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस चित्र शैली की प्रयोग किए जाने की मुख्य विशेषता है। आगे अगर इसकी विशेषता देखें तो इसमें वनस्पति का जो है वो क्रमबद्ध या शैलीबद्ध चित्रण हुआ। वनस्पति का चित्रण किस तरीके से हुआ? क्रमबद्ध या शैलीबद्ध तरीके से वनस्पति को प्रस्तुत किया गया। आगे अपन और देखते हैं आभूषणों के लिए इस शैली के जो भी चित्र बने, उनमें जो आभूषण बनाए गए, उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? सफ़ेद रंग का। क्लियर सी बात है, आभूषण जो बन रहे हैं और आभूषणों पर जो मोती लगाए जा रहे हैं, वो मोती जो है वो सफ़ेद रंग को इस्तेमाल करके थोड़े से ऊपर उठाए गए हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं शैली में जो भृंग के पंख होते हैं, भृंग एक पक्षी जिसका पंख होता है, उस पंख से चमकीले हरे रंगों का प्रयोग किया गया। ओके दोस्तों, ये हुई इसकी विशेषताएं। अब बात करते हैं इस शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में। तो दोस्तों, इस शैली के जो चित्र है वो लगभग 4 चित्रों के बारे में अपन पढ़ेंगे, और वो कौन कौन से हैं? पहला चित्र आता है आपका रसमंजरी का चित्र। कौन सा चित्र आता है दोस्तों? रसमंजरी का चित्र। यानी कि 1694 ईस्वी में भानु दत्ता के द्वारा या भानु दत्ता के लिए एक ग्रंथ की रचना हुई, और उस ग्रंथ का नाम था रसमंजरी ग्रंथ। कौन सा? रसमंजरी ग्रंथ। रसमंजरी ग्रंथ की रचना हुई। आगे अपन देखते हैं इसी चित्र शैली में, अगर अपन आगे देखें
तो दूसरे नंबर पे जो चित्र आता है वो आता है आपका रामायण पर आधारित सारंगी सांगरी चित्र, रामायण पर आधारित सांगरी चित्र। पहला अपन क्या देखा, रसमंदिर का चित्रण हुआ। दूसरा अपन ने क्या देखा, रामायण पर आधारित सांगरी का चित्र। दोस्तों पहाड़ी चित्र शैली की अगर बात करें तो पहाड़ी चित्र शैली में सबसे लोकप्रिय जो ग्रंथ रहा वो संस्कृत भाषा का रामायण ग्रंथ रहा। और रामायण को आप भलीभांति जानते होंगे, रामायण के जो अभिनय है उनको भी आप भलीभांति जानते होंगे, जिनको अपन पूजते हैं, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, ये सब रामायण के पात्र थे। और इस पर आधारित, इस पर जो चित्र बना, पहाड़ी शैली का सर्वाधिक लोकप्रिय जो ग्रंथ था वो रामायण रहा। कुल्लू के शाही परिवार, कुल्लू का एक शाही, शाही मतलब शासन करने वाला परिवार, उसकी एक शाखा थी जिसका नाम, जिसके निवास का स्थान, यानी कि कुल्लू परिवार के जो शाही परिवार था उसकी एक शाखा का जो निवास स्थान था, उस निवास स्थान का नाम था सांगरी, और उसी पे आधारित ये चित्र बने, उसी नाम से ये चित्र बने। तीसरे चित्र की बात अपन करते हैं तो तीसरा चित्र आता है राम अपनी संपत्ति को त्यागते हुए। दोस्तों जब राम अयोध्या में राजा बने थे तो राजा बनने के पश्चात ही क्या हुआ था, उन्हें अपनी राजगद्दी छोड़कर वनवास जाना पड़ा था, यानी कि अयोध्या को छोड़कर उन्हें वन में जाना पड़ा था। ये ठीक उसी समय का चित्र है जिसमें क्या दिखाया गया, राम अपनी संपत्ति को त्याग कर सीता व लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ने की तैयारी करते हैं। इस चित्र में और क्या दिखाया, राम के कहने पर, राम ने कहा, किससे अनुरोध किया, लक्ष्मण से। राम के कहने पर लक्ष्मण ने स्वयं के, यानी कि लक्ष्मण के खुद के और राम के जो भी आभूषण थे या बर्तन थे या जो भी गायें थी उन सबको दान करने के लिए एकत्रित कर लिया, और उस दान को लेने के लिए, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हुई है। ये ऐसा इस चित्र में दिखाया गया है। दूसरी ओर अगर अपन देखें, इसी चित्र में बाईं ओर सीता है और सीता के साथ में दो राजकुमार भी खड़े हैं। इसी चित्र में जो बनाए गए हैं, अलग अलग जो पात्र बनाए गए हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, और जो कृपा प्राप्त करने वाले जो वैरागी है, दरबारी है, या जो ब्राह्मण है जिनको ये इस चित्र में बनाया गया है, उनको एक विशेष प्रकार की पहचान दी गई है। मीन्स ब्राह्मण को दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पीले वस्त्रों में दिखाना पड़ेगा, सिर पे ललाट होना, ललाट पे जो है वो तिलक होना चाहिए, इस तरीके की कुछ खास परिचय दिया गया है हर एक जो पात्र है उसका। यानी कि बाई, देखो चित्र में सावधानी से बैरागी, ब्राह्मण, दरबारी, आम लोग आदि के परिचय का चित्रण किया गया है, यानी कि आम लोगों को किस तरीके से दिखाना है वो भी पूरी सावधानी से दिखाया गया है, दरबारियों को किस तरीके से दिखाना है वो भी पूरी सावधानी से इस चित्र में दिखाया गया है। आगे अपन देखते हैं तो कालीन पर कपड़ों, नीचे जो कालीन है उस पर कपड़ों और सिक्कों के ढेर लगे हुए हैं जो कि लक्ष्मण ने एकत्रित किए हैं। गाय और बछड़े, गाय और बछड़ों के भी चित्र इस चित्र में है, गाय और बछड़े भी इस चित्र में चित्रांकित किए गए हैं। दोस्तों गाय और जो बछड़े के चित्र है वो मुँह खोले हुए हैं और टकटकी लगाए हुए भगवान श्री राम को देख रहे हैं, और जो भगवान श्री राम है उनको मुस्कुराते हुए, इस परिधान पहने हुए, राजकुमार के परिधान पहने हुए मुस्कुराते हुए इस चित्र में दिखाया गया है। इसी चित्र में सीता को आशंकित यानी कि आश्चर्यजनक स्थिति में दिखाया गया है, और जो लक्ष्मण है उनको जिज्ञासु स्थिति में दिखाया गया है। जिज्ञासु स्थिति मतलब जानने की इच्छा, तो लक्ष्मण जो जानना चाहता है, जिस तरीके से किस प्रकार के मनोभाव होते हैं, जिस तरीके से जब अपन कुछ जानना चाहते हैं तो उस समय पर अपने मनोभाव क्या होते हैं, अपना एक्सप्रेशन क्या होता है, चेहरा कैसे दिखाई देता है, वो ठीक उसी तरीके का चित्रण इस चित्र में किया गया है। तो सीता को किस स्थिति में दिखाया गया है, सीता को आशंकित स्थिति में, भगवान श्री राम को मुस्कुराते हुए स्थिति में, और लक्ष्मण को जिज्ञासु स्थिति में दर्शाया गया है। आगे अपन देखें तो इसी चित्र में जो है वो ब्राह्मणों को कैसे दिखाया गया है, दोस्तों थोड़ी जगह खाली नहीं बची थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, ब्राह्मणों को जो है वो सिर्फ ललाट पर तिलक लगाए हुए दिखाया गया है। इसके अलावा ब्राह्मणों के गाल और ठुड्डी पर क्या, दाढ़ी जो मेरी दिख रही है ठीक वैसे ही ब्राह्मणों के, लेकिन वो थोड़ी लंबी थी, ब्राह्मणों के गाल पर और दाढ़ी पर लंबी दाढ़ी दिखाई गई है इसी चित्र में। तो दोस्तों ये चित्र हुआ आपका तीसरा, कौन सा और मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, राम अपनी संपत्ति को त्यागते हैं, इस चित्र के विषय में बताइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन जो था वो ये था,
कि जो बसोहली चित्रशैली है इसकी मुख्य विशेषता क्या है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि दोस्तों शैली में भृंग के पंखों का इस्तेमाल किया गया है चमकीले हरे रंग को दर्शाने के लिए। ओके दोस्तों, यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस शैली में भृंग के चित्र जो पंख है उनका छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया गया है चमकीले हरे रंग को दर्शाने के लिए। आगे अपन देखें तो चौथा और जो पांचवा, तीन अपन नहीं पढ़े, चौथा और जो पांचवा जो चित्र है उनके बारे में अपन देखते हैं, चित्रों के बारे में पढ़ने के बाद में अब अपन देखते हैं बसोहली चित्र के चौथे चित्र के, बसोहली चित्र से लिखे चौथे चित्र के बारे में। दोस्तों इस चित्र का नाम है वन में जो भगवान श्री राम है और जो लक्ष्मण है दोनों वहाँ पर रहने वाले वन में रहने वाले ऋषि विश्वामित्र के साथ बैठे हैं। यानी कि इस चित्र का जो शीर्षक है वो ये है वन में ऋषि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण, यानी कि दोनों भाई जो है वो ऋषि विश्वामित्र के साथ बैठे हुए हैं। दोस्तों इस चित्र में राम व लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ दिखाया गया है जो राक्षसों को मारने की तैयारी में है। राक्षस जो है वो ब्राह्मणों के यज्ञों को क्या करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे यज्ञों में। इस चित्र में जानवरों को पेड़ों के पीछे दिखाया गया है, बाईं ओर भेड़िया और दाईं ओर बाघ को दिखाया गया है। कलाकार ने वन को अवैध जहाँ जंगली जानवरों का निवास है ऐसा दिखाया गया है। यह जानवर भी क्या है, रहस्यमय ही है जिनमें राक्षस होने की संभावनाएं हैं। अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो चित्र है ये बताता है कि भगवान श्री राम और उसका भाई लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जंगल में बैठे हैं और जंगल में बैठे बैठे ये तैयारी कर रहे हैं राक्षसों को मारने की। दोस्तों ये राक्षसों को क्यों मारना चाहते हैं, इसलिए मारना चाहते हैं कि जो वहाँ पर रहने वाले जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा जो भी यज्ञ किया जाता था, उनके द्वारा जो भी ध्यान किया जाता था उनमें राक्षस बाधा उत्पन्न करते थे। ऐसा वो क्या करते थे दोस्तों, ये क्या करते थे, उनको भ्रष्ट कर जाते थे जो भी इनके अनुसंतान होते थे। यानी कि इन्होंने यज्ञ बनाने के लिए एक कुंड, यज्ञ करने के लिए कुंड बनाया तो राक्षस आते और उसमें मांस वगैरह डाल जाते, तो इस तरीके से जो भी इनके अनुसंतान होते थे ब्राह्मणों को, इनको ये भ्रष्ट कर देते थे। तो राम और लक्ष्मण को जो ऋषि विश्वामित्र है वो उन राक्षसों को मारने के लिए तैयार करता है, इस तरीके का ये चित्र है। दोस्तों इसी चित्र में जो जानवरों को दिखाया गया है जो पेड़ों के पीछे छिपे हुए हैं, और ये जो जानवर हैं ये रहस्यमयी है। रहस्यमयी अर्थात यानी कि चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि इन जानवरों में राक्षसों के छिपे हुए होने की आशंका है, इस तरीके से इनका चित्रण है। और ये जो इस चित्र में जो जंगल दिखाया गया है ये जंगल अभेद्य है, रहस्यमयी है, यानी कि जंगल बहुत घना है और इस घने जंगल में जो क्रूर जानवर है, जो जंगली जानवर है वो छिपे हुए हैं, और इसमें दो साहसी वीर योद्धा राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ में बैठे हुए हैं, इस प्रकार का ये चित्र है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अन्य चित्रों में। तो दोस्तों ये तो थे चार मुख्य चित्र बसोहली चित्र से लिखे। अन्य चित्रों में राजा और रानियों के चित्र बने हुए हैं, दरबारियों के चित्र बने हुए हैं, इसके अलावा ज्योतिषों के भी चित्र बने हुए हैं। ये बसोहली शैली के प्रमुख चित्रों के बारे में अपन ने चर्चा की। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। यह चित्र शैली, यह जो शैली है वो आगे तक फैली और जो दूसरी पहाड़ी राज्य हैं, कांगड़ा हुआ, कुल्लू हुआ, गुलेर हुआ, मंडी हुआ, उन क्षेत्रों में इस शैली के चित्र फैले। और वहाँ पर फैलने के बाद हुआ ये कि धीरे धीरे ये जो शैली है वो विलुप्त होने लगी और इसी शैली से दूसरी शैलियाँ पनपने लगी, उत्पन्न होने लगी, जिन्हें आज अपन चंबा, गुलेर, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, इन शैलियों के बारे में जानते हैं, इन शैलियों के नाम से जानते हैं। अपन ने देखा था कि बसोहली जो चित्र शैली है उसका विकास हुआ था दोस्तों 1690 तक, यानी कि कुल मिला के जो बसोहली चित्र शैली है वो 1678 से 90 के बीच में या 1695 के बीच तक ये पनपी थी, फली फूली थी। लेकिन 1690 के बाद में 1690 से लेकर 1630 तक धीरे धीरे ये चित्र शैली समाप्त हो गई और इसी चित्र शैली से दूसरी चित्र शैलियाँ क्या हुई दोस्तों, उत्पन्न हुई। और कौन सी हुई, चंबा, गुलेर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ये सब शैलियाँ इसी बसोहली चित्रशैली से उत्पन्न हुई। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा बसोहली चित्रशैली के बारे में, अपन पढ़ रहे थे पहाड़ी जो क्षेत्र है उनकी चित्रशैलियों के बारे में, और मैंने कहा था इसमें अपन तीन चित्रशैलियों को पढ़ेंगे, एक बसोहली होगी, एक जो होगी आपकी गुलेर होगी और एक होगी कांगड़ा शैली।
तो दोस्तों कांगड़ा और गुलेर शैली जो शैली है वो किससे उत्पन्न हुई थी? बसोहली शैली से। और सबसे पहले अपन ने वही पढ़ी क्योंकि इसी का विकास सर्वप्रथम हुआ था। आगे वाली वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुलेर चित्रशैली के बारे में। तो दोस्तों समझ में आया है, अगर आपको याद करने में कठिनाई नहीं हो रही है, आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है, तो एक बार लाइक ज़रूर करें, अपने सहपाठियों को ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।